नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये देख सकते हो आप, ऑफिशियल वेबसाइट है जी, जो कि हरियाणा कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से जो कि वैकेंसी निकली हुई है, भरपूर वैकेंसी है। पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप जरूर देखिएगा। ठीक है जी, मेन इन्फॉर्म बात कर लेते हैं जो कि आपको वो बताने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जो कि ये एडवर्टाइज नंबर देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, जुडिकल सर्विस की तरफ से ये आपको पूरी की पूरी पोस्टें मिल जाएंगी। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या कुछ फीस रहने वाली है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं जी, तो 25 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और फीस की लास्ट डेट है 23 फरवरी ही है, और करेक्शन आप 1 से 3 मार्च के बीच में कर सकते हो। इसका प्री एग्जाम भी होगा, मेन भी होगा, मेन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। और जनरल और अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, यानी कि अदर स्टेट वाले भी इसके लिए वैलिड हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1,047.82 रुपये फीस रहने वाली है जनरल की और अदर स्टेट वालों की। एससी एसटी और ओबीसी जो कि बिहार रहने वाले हैं, एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, उनकी 647.82 रुपये रहने वाली है फीस। ठीक है जी, और इसकी टोटल पोस्टों की बात करें तो 9 पोस्टें हैं, टोटल में इसकी 9 पोस्टें हैं। कौन कौन सी हैं, पूरी की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल जज एंट्री लेवल, डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल की पोस्ट है जी, 34, 35 से 45 साल एज मांगी हुई है, और 1 जनवरी तक कम से कम 35 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल एज होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 7 साल का आपका एडवोकेट का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एक्सपीरियंस 7 साल का नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने डिग्री लॉ में की हुई है, बैचलर डिग्री, और 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस मेंशन है उनके पास है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। आप कृपया करके शेयर जरूर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल ये आपको बात करें तो 5 जनरल की पोस्टें हैं, यानी कि आप अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो आप जनरल में काउंट हो गए, 5 पोस्टें हैं। एससी ओबीसी की एक एक पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्टें, टोटल में 9 पोस्टें हैं जी। ठीक है जी, ये तो हो गया पूरी की पूरी डिटेल। उसके बाद एग्जाम, प्री एग्जाम के आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रहने वाली है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, ये आपके प्री एग्जाम के सेंटर रहने वाले हैं। मेन बात करते हैं, ये ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद मेन बात करते हैं जी, ये आपको आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिए, इसमें देख सकते हो 25 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, होंगे आने वाले टाइम में, यानी कि 7 दिन हो रहा है, 7 दिन बाद अप्लाई शुरू हो जाएंगे, और 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो लॉ की डिग्री कर चुके हैं बट अभी तक वो सारे के सारा प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है जी, आपने जो एग्ज़ाम देना है, मेन एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम, उसमें ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज करोगे। ठीक है, और कोई पेन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया है। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए परसेंटेज कितनी रहने वाली है, कितने परसेंट कैंडिडेट रहने वाले हैं, ये 9 पोस्टों में से कितने कितने परसेंट है, यानी कि एससी के 15% 9 पोस्टों में से हैं कैंडिडेट, एक पोस्ट बनी करीबन, और शेड्यूल कास्ट के एसटी के 2 कैंडिडेट बनते हैं, 2 पोस्टें बनती है, ओबीसी के 1 पोस्ट बनती है। ठीक है जी, ये और अदर के लिए, अदर के बाकी जो बच की पोस्ट है वो सारी अदर में आ जाती हैं। इस तरह इन्होंने शेड्यूल प्रिपेयर किया हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, वही मैंने क्राइटेरिया जो कि आपको बता दिया, 35 से 40 साल एज। ठीक है, ये सारे का सारा नोटिस आप अपना पढ़ सकते हो, और ये देख सकते हो हैज मोर देन वन स्पाउस लिविंग, रिलेशन आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि स्पाउस हो बट एक मैरिड हो एक से, तो ही आप इसके लिए क्वालिफाई, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे।
और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, कोर्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको डिसमिस ना किया हो, रिमूव ना किया हो किसी सर्विस से, तो आप अगर किया होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सारे डिस्क्वालीफाई के पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान से रीड जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने अप्लाई करना है, क्योंकि जो जिन्होंने लॉ में डिग्री की हुई है उनको सारी चीज़ें आराम से प्रिपेयर करनी आती हैं, समझनी आती हैं। ठीक है, मेन बात कर लेते हैं अप्लाई करने का। अप्लाई करने का एडवर्टाइज आपको देखने को मिल गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको, और उसके बाद एडिट का ऑप्शन आपको 1 वीक का करीबन करीबन मिलता होता है। ये फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। मेन एग्ज़ाम के लिए 282 रुपये इसमें ऐड किए गए हैं, मेन एग्ज़ाम के लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, कोई भी आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा नहीं दिया जाएगा, कोई आपको एडमिट कार्ड पहले इशू करवा दिया जाएगा, वही बेसिक की नॉलेज सब की आपको इसमें मेंशन है। ठीक है, आप अगर मॉक टेस्ट चाहते हो तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से मॉक टेस्ट भी आपको प्रिपेयर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मेन बात करते हैं पेपर की, एग्जाम की। 150 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 120 मिनट दिए जाएंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है जी, और किस किस के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके एग्जाम होने वाला है ये आप देख सकते हो। IBPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इनके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 30 मार्क्स के। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन आपको अलग अलग पॉइंट पर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के देखने को मिलने वाले। ये सारे के सारे आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, ये आपको मैंने सिलेबस भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है। आपके मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर की बात कर लेते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके 60% OBC के आने चाहिए, जो कि MP के रहने वाले हैं, सॉरी आने चाहिए। और जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं 55% आने उनके जरूरी है, और अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के 60% मार्क्स आपके इसमें से आने जरूरी है। यानी कि मान लीजिए 90 के करीबन आपके एग्जाम के पेपर प्री में आपको क्वालिफाई होने के लिए 90 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर चाहिए, और मेन एग्जाम के लिए 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। सारी की सारी डिटेल ये देख सकते हो, सिलेबस भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, ये सारा आप फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे आपको क्वेश्चन 400 400 मार्क्स का सिलेबस भी इसमें देखने को मिल गया। ये सारी की सारी PDF आप रूल आउट कर सकते हो, अगर प्री क्वालिफाई होते हो तो ही आप मेन के लिए क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है जी, आई होप सो भी आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ आ गई है। जिन्होंने बैचलर डिग्री लॉ में की हुई है और 7 साल का एक्सपीरियंस है, उन कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है MP के लिए। ठीक है जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से पोस्टें निकली हुई हैं। अगर इसी तरह की और भी आप अपडेट्स चाहते हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए आपको, ताकि किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ऑफिशियली लिंक, और जैसे ही अप्लाई का लिंक शो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 25 जनवरी को, वो भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, वीडियो शेयर लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।